Yes, units of heat. There are two units which is used to measure the temperature of a human body. So the first unit you are having, it is calorie and the second is joule. दो यूनिट हैं जिनसे आप हीट को मेज़र कर सकते हैं. अभी जो हम यूनिट होती हैं, जैसे लेंथ के लिए मीटर होती है, वेट के लिए केजी होती है, तो टेम्परेचर के लिए देर आर टू यूनिट्स टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अ टू मेज़र द हीट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, कैलोरी एंड जूल. द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल. एसआई की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. सो जो एस आई यूनिट है टू मेजर हीट इज जूल एंड कैलोरी इज नॉट एस आई बट इट इज द यूनिट बाय विच वी आर गोइंग टू मेजर द हीट. सो कैलोरी इज वॉट अ कैलोरी. अगर डेफिनेशन आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफाइन वन कैलोरी. वन कैलोरी इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram ऑफ वाटर थ्रू 1 degree Celsius. आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन वंस अगेन. 1 calorie इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram ऑफ वाटर थ्रू 1 degree Celsius. दैट इज नोन एज कैलरी. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कैलरी एंड जूल. 1 calorie इज इक्वल टू 4.2 joule. तो अगर एग्जाम में आपके पास आ जाता है राइट डाउन 2 calorie ऑफ हीट इन टर्म्स ऑफ जूल. सो 2 multiplied by 4.2 द आंसर गेट्स 8.4 joule. सो दैट इज द कन्वर्जन फ्रॉम कैलरी टू जूल. दैट 1 calorie इज इक्वल टू 4.2 joule. नाउ 1 kilo calorie जहाँ भी किलो लग जाता है वहाँ उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं. बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000. सो 1 kilo calorie इज इक्वल टू 1000 calorie. 1 kilo calorie इज इक्वल टू वॉट. इट इज 1000 calorie. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. दैट इज जनरल इफेक्ट्स ऑफ हीट. दिस इज़ बेसिकली कि हीट के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं. तो जो आपका फर्स्ट इफेक्ट है दैट इज हीट ब्रिंग्स अ चेंज इन टेम्परेचर. वैन वी सप्लाई हीट टू एनी मैटर दैट इज बेसिकली कैन बी सॉलिड, कैन बी लिक्विड, कैन बी गैस, क्या होता है, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस. एंड इफ अ हॉट मटेरियल गिव्स हीट एनर्जी सो इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस और इट फॉल्स. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन दैट वॉट इज द इफेक्ट ऑफ हीट. फर्स्ट इफेक्ट इज इट ब्रिंग्स द चेंज इन टेम्परेचर. वैन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द हीट टू एनी बॉडी देयर इज अ टेम्परेचर चेंज इन दैट बॉडी, वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज लिक्विड, वेदर इट इज गैस. So what happen if we are providing the heat? The temperature increases. And if that hot materials is giving the heat energy means its temperature decreases or falls. Now come to the second one. That it brings a change in the dimension. Dimension ka matlab hai length, breadth and height. Heat ki wajah se length mein, breadth mein aur height mein fark aata hai. अगर आप किसी भी बॉडी को हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो व्हाट विल हैपन. इट वॉल्यूम, इट्स लेंथ, इट्स एरिया कैन बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. सो वंस यू आर गोइंग टू स्टार्ट द गिव द हीट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल तो पार्टिकल का साइज क्या होता है. पार्टिकल का साइज एक्सपेंड हो जाता है. एक्सपेंड का मतलब होता है उनका साइज बढ़ जाता है. एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द साइज एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन साइज. सो व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द हीट टू एनी बॉडी और टू एनी मैटर इट शोज एक्सपेंशन. एक्सपेंशन मीन्स देयर विल बी इंक्रीज इन द साइज, इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, इंक्रीज इन इट्स हाइट, इंक्रीज इन इट्स लेंथ. But once that body starts giving the heat energy out, means it shows contraction, its size going to decrease, its volume decreases. So, जब भी कभी heat की वजह से size expand होता है, that is known as thermal expansion.
और अगर हीट देने की वजह से साइज डिक्रीज होता है, हीट गिवन आउट करने की वजह से, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन. सो आई होप दीज टू वर्ड्स इज क्लियर टू यू, एक्सपेंशन एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपेंशन इन केस ऑफ सॉलिड, जब भी हम सॉलिड को हीट एनर्जी देंगे तो क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर वेरी टाइटली पैक्ड. देयर इज नो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, एज वेल एज दे आर हैविंग हाई अमाउंट ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. सो उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके वो एक्सपेंशन शो करते हैं. इन केस ऑफ सॉलिड्स दे शो थ्री कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंशन. फर्स्ट इज योर लीनियर एक्सपेंशन, सेकेंड इज योर सुपरफेशियल एक्सपेंशन, थर्ड इज योर क्यूबिकल एक्सपेंशन. लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑन प्रोवाइडिंग द हीट. सुपरफेशियल एक्सपेंशन, इंक्रीज इन एरिया ऑन प्रोवाइडिंग हीट. क्यूबिकल एक्सपेंशन, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन प्रोवाइडिंग हीट. सो अप टू दिस वी हैव डिस्कस्ड लीनियर इंक्रीज इन लेंथ, सुपरफेशियल इंक्रीज इन एरिया, क्यूबिकल इंक्रीज इन वॉल्यूम. विद द हेल्प ऑफ वॉट, विद द हेल्प ऑफ हीट. इसका एप्लीकेशन क्या होता है क्लास, आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ आयरन एंड देयर इज अ स्मॉल गैप लेफ्ट बिटवीन दोज रेलवे ट्रैक. वाई? बिकॉज इन समर व्हेन हीट फॉल ऑन दैट मेटल, एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो क्विकली ट्रांसफर करते हैं हीट को, और हीट मिलने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से दे शोज थर्मल एक्सपेंशन. एंड टू अकोमोडेट दैट स्पेस वी लेफ्ट द स्पेस बिटवीन द आयरन ट्रैक्स, सो दैट इफ देयर विल बी एक्सपेंशन सो दोज आयरन ट्रैक्स विल नॉट कोलाइड विद ईच अदर. सो दैट्स वाई द स्पेस इज लेफ्ट. एज वेल एज जो आयरन रिम फिट की जाती है टायर्स में, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस एप्लीकेशन, कि उसकी एक्सपेंशन अगर हो तो वो फिट हो जाए उसमें. हम पहले उसको एक्सपेंड करके फिट करते हैं सो दैट इसको हीट मिले तो वो ज़्यादा एक्सपेंड ना हो और वो उस व्हील से आउट ना जाए, आयरन रिम उसी स्पेस में रहे. अ थिक वॉल्ड ग्लास टम्बलर, अगर आप किसी ग्लास में बहुत ज़्यादा हीट टेम्परेचर वाला पानी डालोगे तो क्या होता है, दैट ग्लास क्रैक. वाई? बिकॉज उसमें क्या होता है, जैसे ही हम ज़्यादा टेम्परेचर का वाटर डालते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन शुरू कर देता है, उसका साइज इंक्रीज होना होता है. तो साइज इंक्रीज की वजह से क्या होता है, क्रैक अपीयर होते हैं. मीन्स अगर आपने हाई टेम्परेचर का पानी एक ग्लास में डाला है तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन स्टार्ट होगा, मीन्स उसका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट होगा. आफ्टर सम टाइम दैट इंक्रीज इन द साइज अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ द क्रैक. दैट्स वाई द क्रैक अपीयर्स ऑन पोरिंग द वेरी हाई टेम्परेचर वाटर इन टू द ग्लास टम्बलर्स मेड अप ऑफ ग्लास. नॉट We are not talking about steel. So class, this is what that application of expansion in case of solid. So humne solid ke liye finish kiya hai. In our next video, we are going to discuss it with for liquids. Stay safe class. Thank you.